वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आईसीएसआई ने कुछ एमसीक्यू रिलीज किए थे इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के, और वो असेसमेंट 18-19 के, यानी कि पुराने एमसीक्यू हैं। लेकिन थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि हम लोग समझाते कैसे हैं इनकम टैक्स। और ये हम लोग सॉल्व करेंगे एज पर असेसमेंट ईयर 2021। आइए देख, तो ये डायरेक्ट टैक्सेस पार्ट वन, 50 मार्क्स, पहला क्वेश्चन जरा देखते हैं। द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ए फॉरन कंपनी हैविंग एन इनकम बिलो ₹10 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19। तो 1920 समझिए इसको। अब देखिए, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि फॉरन कंपनी हैविंग एन इनकम बिलो ₹10 करोड़, वो तो जीरो भी हो सकता है, लॉस में भी हो सकता है। तो इनको ये लिखना चाहिए एक्सीडिंग 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ एंड एक्सीडिंग 10 करोड़। इस तरह से लिखते तो शायद क्वेश्चन अच्छा होता। तो फिलहाल इसमें का आंसर क्या होगा, 2%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। तो मैं साथ साथ अपनी किताब भी दिखा देता हूं कि हमने किताब में इसको कैसे प्रेजेंट किया है। तो ये हमारी इनकम टैक्स बुक है, इसको हम लोग कहते हैं इंडियाज नंबर वन बुक ऑन टैक्सेशन। ये हमारा रेट्स ऑफ टैक्स का चैप्टर, और इसमें अगर आप नीचे सरचार्ज देखेंगे यहां पर, तो इंडिविजुअल अचीव का सरचार्ज असेसमेंट ये 2021 से बहुत कुछ चेंज हुआ है। और फॉरेन कंपनी का एक्सीडिंग 1 करोड़ पे 2% है और एक्सीडिंग 10 करोड़ पे 5% है, ऐसे है, क्लियर है। अब इंडिविजुअल अचीव पे जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम 37% तक चला गया एक्सीडिंग 5 करोड़। लेकिन यहां दोनों स्टार बनाया हुआ है कि अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली है जो 112A के अकॉर्डिंग है, या 111A वाली है, तब सरचार्ज सिर्फ 15% ही लगेगा इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़। तो अगर इन इनकम पे जो सरचार्ज लग रहा है वो सिर्फ 15% ही लग रहा है। अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं। डिविडेंड और ₹2 लाख रिसीव्ड इन लंदन फ्रॉम ए यूके बेस्ड कंपनी विल बी टैक्सेबल इन द हैंड टैक्सेबल इन द केस ऑफ। देर आर टू बेसिस ऑफ टैक्सेशन। फर्स्ट सोर्स बेसिस विच इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन, एंड सेकेंड इज रेजिडेंट बेसिस विच इज द सेकेंडरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन। या आप हमारे जब आप फाइनल में पहुंचेंगे प्रोफेशनल लेवल पे, तो वहां पर इंटरनेशनल टैक्सेशन में ये आप लोग करते भी है, और ये बेसिकली रेजिडेंशियल स्टेटस का ही पार्ट है। तो सोर्स बेसिस इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ टैक्सेशन। अगर सोर्स इंडिया में है तो एक एंड सोर्स इंडिया में है, इसका मतलब अगर आप इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी इंडिया में उसको रेंट पे दे दिया, बिजनेस इंडिया में उससे पैसा कमा रहे हैं, तो ये कौन सी इनकम है, इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम हर हालत में इंडिया में टैक्सेबल होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आर डैश एन ओ आर और एन आर इंडियन इनकम है तो हर कोई टैक्स देगा। लेकिन फॉरेन इनकम है, इट मीन सोर्स इज आउटसाइड इंडिया, तो फॉरेन इनकम है, उस फॉरेन इनकम पे जो टैक्स लगता है ऑन रेसिडेंट बेसिस लगता है। अब अगर शेयर्स फ्रॉम ए यूके बेस्ड कंपनी है तो ये ऑटोमेटिकली फॉरेन इनकम हो गई, और फॉरेन इनकम हो गई तो आर डैश ओ आर तो हर हालत में टैक्स देगा ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर डैश एन आर और एन आर तभी टैक्स देंगे इफ सच इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, और अगर ये नहीं भी लिखा होता रिसीव्ड इन लंदन, तो जहां जिस कंट्री का वो शेयर्स है वही मान लिया जाएगा रिसीव्ड है। आया। अब तो डिविडेंड और ₹2 लाख रिसीव्ड इन लंदन, सबसे पहले आइडेंटिफाई ये कीजिए कि ये फॉरेन इनकम है या इंडियन इनकम है। तो ये फॉरेन इनकम है, अगर फॉरेन इनकम है तो आर डैश ओ आर तो हर हालत में देगा, तो आर डैश ओ आर देगा, तो आंसर क्या आएगा, 2A। एनओआर और एनआर तभी देते इफ सच इनकम वॉज रिसीव्ड इन इंडिया, रिसीव्ड का मतलब फर्स्ट हैंड रिसीट। और हम लोग पूरे रेजिडेंशियल स्टेटस में एक बात कहते हैं, जिस इनकम के बारे में इंडिया को पता लग जाता है उसके ऊपर टैक्स लगा देता है। अब आइए, द रेट ऑफ टैक्स लेवेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A कितना, 15%। लेकिन क्वेश्चन खूबसूरत हो जाता कब, जब इसमें यह लिखता कि रेट ऑफ टैक्स लेवेबल ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इसको मैं चेंज करता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A इज 5 करोड़, द रेट ऑफ सरचार्ज कितना होगा फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, तो वो मैक्सिमम 37% और 25% नहीं रहेगा, कितना रहेगा, 15%, क्लियर है। तो यहां पर सिर्फ रेट पूछा है, सरचार्ज नहीं पूछा, तो आंसर बी आएगा। फिर फोर्थ है, प्रॉफिट्स ऑफ ₹10 लाख इज अर्न फ्रॉम ए बिजनेस इन यूके। अगेन ये इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम है। अगर फॉरेन इनकम है तो आर डैश ओ आर तो हर हालत में टैक्स देगा, आर डैश एन ओ आर तभी टैक्स देगा इफ सच बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया एंड दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो आर डैश एन ओ आर होता तो पूरा टैक्सेबल हो जाता 10 लाख।
हाफ ऑफ द प्रॉफिट बींग रिसीव इन इंडिया। अब आर डैश एनवार अगर होता कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो 100% टैक्स हो जाता, फिर रिसीव कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो पूछा गया है हाउ मच अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल तभी इंडिया में टैक्स देगा फॉरेन इनकम पे, तभी इंडिया में टैक्स देगा सच इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया। और इसमें लिखा हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। और ये कैसे पता लगता है रिसीव्ड इन इंडिया है या नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट से पता लग सकता है, और इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट हैंड रिसीट। तो ये 5 लाख आंसर होगा। पीछे आंसर दिया हुआ है लेकिन मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन ये निश्चित है कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। फिर आगे देखिए, अच्छा ये इसको हम लोग लिखा कैसे है वो आपको बता देते हैं। ये रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में आते हैं हम लोग। ये तो सैलरी आ गया, देखिए हमने इसको इस तरह से लिखा, इनकम विच अक्रूज और राइज इन इंडिया, इंडिया इनकम हर हालत में टैक्सेबल होगा चाहे रेजिडेंशियल स्टेटस कोई भी हो, लेकिन इनकम विच अक्रूज और राइज आउटसाइड इंडिया दैट इज ए फॉरेन इनकम, आर डैश ओ आर तो देगा ही देगा, लेकिन आर डैश ओ आर नहीं देता है। लेकिन कब देगा? बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम हो, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या सेटअप इन इंडिया हो तो देगा, या फिर इनकम इज रिसीव इन इंडिया। तो बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम के अलावा अगर कोई दूसरी इनकम है और वो इनकम तभी इंडिया में टैक्सेबल होगी व्हेन इट इज रिसीव, जैसे डिविडेंड वाला हमने टैक्स किया, इंटरेस्ट हम लोग यहीं पर टैक्स करेंगे इफ दैट इज रिसीव्ड। और ये इनकम बिजनेस इनकम प्रोफेशनल इनकम इज आउटसाइड इंडिया कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, और नॉन रेजिडेंट में नॉट टैक्सेबल बट इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। अरे आया, मुबारक हो। अब यहां द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिबेट अलाउड अंडर सेक्शन 87A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000। अब देखिए नॉन रेजिडेंट को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। हम लोग कहते हैं रेजिडेंट मतलब घर वाले हैं, जितने भी इंसेंटिव है वो हम लोग किसको देते हैं? घर वालों को देते हैं। तो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन जो 80 साल से या उससे ऊपर है उन्हीं को हमने बेनिफिट दिया, नॉन रेजिडेंट को तो हमने नहीं बेनिफिट दिया। और बहुत सारे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U है जहां पर अगर बेनिफिट या इंसेंटिव के बारे में बात होगी तो सिर्फ रेजिडेंट की होगी, लेकिन नॉन रेजिडेंट इनकम कमाने के कारण अगर उसको डिडक्शन देना हो तो हम उसको देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर नॉन रेजिडेंट है तो इसको मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिबेट विल बी निल, तो आंसर ये आना चाहिए डी। लेकिन अगर यही रेजिडेंट हो जाता, यही रेजिडेंट हो जाता तो अब असेसमेंट ये 2021 के लिए ये लिमिट जो 3.5 लाख रुपए की थी वो 5 लाख हो गई है, और मैक्सिमम रिबेट 12,500 हो गई है, क्योंकि 5% ऑफ 2,50,000 करेंगे तो 12,500 आएगा। तो ये एक चेंज है। फिर इन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूड्स, ना ये वर्ड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट आया कहां से? अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट में तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, लेकिन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वर्ड बेसिकली DTAA का है, और परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हर एक DTAA में अलग अलग कहानी दी हुई है। जैसे आपका इंप्लॉइज आपने रखे हुए हैं इंडिया में, दैट इज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। कंस्ट्रक्शन साइट है, इट इज अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। अब इसमें जो लिखा हुआ है पर्सन और ए प्लेस बहुत ही आधा अधूरा लिखा हुआ, कंस्ट्रक्शन साइट इज ए परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट आई एग्री, ये बिजनेस प्रिजर्व क्या होता आई डोंट नो, तो इसीलिए मुझे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अजीब सा लगता है। अगर आप DTAA देखेंगे तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। 7th में आते हैं, मिस्टर सुजीत एज 47 ईयर्स, ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन बेस्ड एट मुंबई, अर्न एन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 34 लाख, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स 2 लाख। अगर ये 34 लाख है तो ऑब्वियसली ऑडिट कंपलसरी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2 लाख है, और ये बैंक डिपॉजिट्स इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट ऑफ 30,000। ओके, तो मान लीजिए ये फिक्स डिपॉजिट का है 170, बाकी 30,000, तो 80TTA का डिडक्शन 10,000 मैक्सिमम मिल जाएगा। उसके बाद PPF में 80C का डिडक्शन मैक्सिमम 1.5 लाख है, तो यहाँ 1,20 मिल जाएगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, और 34 लाख प्लस 2 लाख 36 लाख हो गया। इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 120 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA 10,000। तो आंसर आएगा, हमने 120 और 30 माइनस किया है, 120 और 10 माइनस किया तो 130 टोटल माइनस किया, तो 30 माइनस करूंगा तो 70 ही बचेगा, 34,70,000। तो यही आंसर है। द
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एप्लीकेबल टू सुपर सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि वेरी सीनियर सिटीजन, 80 साल या उससे ज्यादा, रेसिडेंट इन इंडिया, चाहे आर डैश ओ आर हो या आर डैश एन ओ आर, इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 या असेसमेंट ईयर 2021 इज 5 लाख, कोई चेंज नहीं है इसमें। इन केस ऑफ एडवांस रूलिंग अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एन एप्लीकेंट में विड्रॉ एप्लीकेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये 30 दिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिस्टर नरेंद्र एज्ड 81 रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलेगा अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है टैक्स लायबिलिटी का। रेंडर्ड सर्विसेज इन इंडिया एंड अर्न सैलरी, अब देखिए इंडियन इनकम है बिकॉज ही इज रेंडरिंग सर्विसेज इन इंडिया, तो इंडियन इनकम में काम खत्म हो गया, टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है, ओके टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा तो जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये कि राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन है, 5 रुपया या उससे ज्यादा होता तो ऊपर कर देता, बड़ा सिंपल सा है, तो ये 5 रुपया या उससे ज्यादा नहीं है तो इसको हम लोग राउंड डाउन करेंगे, और डाउन करेंगे तो ये आएगा 125790, तो आंसर 11B है। इजी क्वेश्चन, 3 लाख द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, अच्छा सॉरी, इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एक्सेप्ट, इनको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अब क्वेश्चन पूछ रहा था मैक्सिमम ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स, और फिर लिख रहे हैं इसका आंसर फुल्ली एग्जाम, ऑप्शन तो सही बनाए, अनलिमिटेड लिख देते, कुछ तो लिखते हैं। चलिए, मिस्टर गणेश इज एन एम्प्लॉयड इन एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड इन द प्रीवियस ईयर, मैं किताब नहीं दिखला पा रहा हूं, चलिए क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, किताब अच्छी है, पीडीएफ और हार्ड कॉपी दोनों अवेलेबल है, नहीं है तो आपको जरूरत पड़ेगी, पेन ड्राइव की कोर्सेज तो हमारे पास है ही। इन द प्रीवियस ईयर ही रिसीव्ड सैलरी ऑफ 36,000 पर मंथ एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 2,000 पर मंथ यानी कि 24,000, ही स्पेंट 10,000 एंटरटेनमेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 मिलता है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी को तो मिलता नहीं है, तो इसका आंसर नहीं आएगा, बाकी बाद में करते हैं, किसी और वीडियो लेक्चर में करेंगे, और बस आपको आइडिया देना था, वो आइडिया शायद बस आपको एक आइडिया देना था, शायद वो आइडिया आप तक पहुंच चुका होगा, हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ाते हैं एक एक चीज, और डिटेल में होती है, याद रखिएगा।